कराची में भी ईद पर दावतों का सिलसिला जारी है। लोग गोश्त का कीमा बनवाने दुकानों पर पहुंच गए। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। आज बिल्कुल ईद उल अज़हा का है, तीसरा रोज़ है। घरों में खानों का एहतमाम किया जा रहा है, दावतों की सूरत हाल चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक बाज़ार में जहां पर गोश्त का कीमा बनाया जा रहा है। घर में यार वैसे मेरे ससुराल वालों की भी दावत है और मेरे घर वालों की भी दावत है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अलग अलग आइटम हो ना। कीमा हो गया, कबाब हो गए, सीख कबाब हो गए, गोश्त हो गए, टिक्का बोटी, बारबेक्यू, ऐसे ही है, तो इसलिए पिसवाने आए। तो जो कीमा पीसने वाले उनसे भी बात कर लेते हैं। ये 50 रुपये किलो निकालना है। ईद का तीसरा दिन चल रहा है, घरों में दावतें भी हो रही हैं, तो लोग ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, कितना कीमा ला रहे हैं? बस सही आ रहा है, वो नॉर्मल माशाल्लाह। आराम कर रहे हो रहा है, 2-3 हज़ार रुपये का धंधा हो जाता है। शहरों से बातचीत, उनका कहना था कि यहाँ पे बिजली गई हुई है, ईद का तीसरा रोज़ है, यहाँ पे बिजली अभी भी गई हुई है। इसके बावजूद यहाँ पे जो कीमा मैकर हैं, जो कीमा बनाने वाले हैं, वो जनरेटर इस्तेमाल करें, इसलिए उन्होंने कीमत भी यहाँ पर कीमत पीसने की बढ़ा दी है। कराची की सूरत हाल तो आपने देखी। फालिया में भी गोश्त का कीमा बनाने वालों का कारोबार चमक उठा है। शहरियों की बड़ी तादाद दुकानों पर कीमा बनवाने पहुँच गई है। मज़ीद तफ़सीलात देखते हैं तनवीर हुसैन साबिर से। जी बिल्कुल, आज ईद के तीसरे रोज़ भी शहरियों ने कुर्बानी के जानवरों के गोश्त का कीमा बनवाने के लिए रेहड़ी और दुकानों पर नस्ब मशीनों का रुख कर लिया है। यहाँ पर 40 से 60 रुपए फ़ी किलो में गोश्त का कीमा बना कर दे रहे हैं। कीमा करवाने आए शहरी से जानते हैं। कीमा बनवा के ले जाके कबाब बनाएंगे, बारबेक्यू करेंगे, बिरयानी पुलाव बनाएंगे और मेहमानों को बुलाएंगे, और जैसे कि हसब रवायात मेहमान आते हैं उनके लिए तवाज़ो का बंदोबस्त करने के लिए एक बेहतरीन मौका होता है। यहाँ पर कीमा करने वालों से बात करते हैं कि वो इस समय क्या कहते हैं। कोफ्ते बनाएंगे, चप्पल कबाब बनाएंगे, वरायटियाँ बनाएंगे, ठीक है, खिदमत कर साडा काम हर साल अभी बहने जनाब। शहरियों का कहना है कि कीमा बनवा कर घर ले जाएंगे और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बुला कर मिल बैठ कर मज़े मज़े के कोफ्ते और कबाब खाएंगे। जी